अब हम पहुंच चुके हैं भाजगांव पर। ये देख रहे हैं आप भाजगांव, और अब हम ये पहुंच चुके हैं खेती खान। खेती खान में इस चौराहे से जो दाएं ओर को रास्ता जा रहा है वो जा रहा है चंपावत को, और बाएं तरफ का जो रास्ता है वो चल रहा है लोहाघाट को। हम इस समय लोहाघाट को मुड़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं खेती खान के बाज़ार। खेती खान प्रमुख रूप से अपने सेब के बगीचों के लिए काफ़ी फेमस है। बाज़ार यहाँ की बहुत बड़ी है, एक तरह से प्रसिद्ध मंडी है, जहाँ से हर जगह को रास्ता भी जाता है। पीछे ये अल्मोड़ा हल्द्वानी से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये चंपावत से जुड़ा हुआ है, वहीं पर इस ओर से ये लोहाघाट से जुड़ा हुआ है। सेब की यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा खेती होती थी और यहाँ का सेब काफ़ी प्रसिद्ध था। देखिए बाज़ार काफ़ी लंबी है, रोज़मर्रा का सामान के अलावा जो आधुनिक सामान है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट्स में और उसमें मिल जाता है, जिससे आप लोगों को इधर उधर यहाँ से सामान लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। और अब ये है गांव चौमल्ला, इसे चौमल्ला कहते हैं। देखिए बिल्कुल तराई क्षेत्र की तरह है, बिल्कुल सीधी रोड, दोनों तरफ खेत, दोनों तरफ प्रकृति का आनंद लीजिए। और अब हम ये पहुंच चुके हैं करण करायत में, जिसमें कि आप बाईं तरफ देख रहे हैं बाणासुर के किले का गेट लगा हुआ है। बात करते हैं बाणासुर के इस किले की, तो यह किला बाणासुर की पुत्री उषा और कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न की विचित्र प्रेम कथा का साक्षी है। इतिहास इस तरह का है कि बाली का सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर शक्तिशाली और शिव भक्त था। भगवान शिव ने उसे 1000 भुजाओं का आशीर्वाद दिया था। एक दिन बाणासुर ने शिव से पूछा कि वो उस व्यक्ति का नाम बताएं जो उसे टक्कर दे सके। शिव जी ने कहा कि जिस दिन उसका अपना ध्वज स्तंभ टूट जाए तो वो समझ ले कि उसका दावेदार आ गया है। एक दिन उसकी बेटी उषा ने अपने सपनों के राजकुमार को देखा और मंत्री की बेटी चित्रलेखा से उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर की। चित्रलेखा ने अपनी सतही शक्तियों से उस व्यक्ति अनिरुद्ध को नीच से अगवा करके उषा के पास ले आई और 4 महीने तक वो दोनों एक साथ रहे। एक दिन बाणासुर ने देखा कि उसका ध्वज स्तंभ टूट चुका है, तो उसने सैनिकों से किसी अजनबी को खोजने के लिए कहा, जिससे सैनिकों के द्वारा उसको अनिरुद्ध और उषा के बारे में पता चल गया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। जब भगवान कृष्ण और बलराम को पता चला तो उन्होंने बाणासुर के साथ घनघोर युद्ध किया और उसको नष्ट कर दिया। और यह इलाका है, इसका नाम करण करायत है, जहाँ पर ये बाणासुर का किला है। बाणासुर के किले की वजह से ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम पहुँच रहे हैं माँ कड़ाई देवी मंदिर के पास। ये बाईं तरफ को जो है ये रास्ता माँ मंदिर को जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर के एक छोटे से कांटेदार वृक्ष में माँ कड़ाई देवी निवास करती है। इस वृक्ष की लंबाई चौड़ाई जैसे कई वर्षों पूर्व थी वैसी ही आज भी है। माँ कड़ाई देवी का यह वृक्ष आज भी हरा भरा रहता है। और यह है कौली ढेक झील। यह झील का निर्माण नवंबर 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1550 मीटर लंबी, 125 मीटर चौड़ी और 21 मीटर गहरी कौली ढेक झील के निर्माण से करीब लोहाघाट का 11 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। इसके डूब क्षेत्र में 600 लोगों की
9.512 हेक्टेयर नाप भूमि आई है। इससे 715 पेड़ प्रभावित हुए। इस कृत्रिम सरोवर के समानांतर एक तरफ रोड है तो दूसरी ओर देवदार के जंगल जो बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं। इसमें दो फाटक बने हैं जो पानी को कंट्रोल करेंगे। झील में नौकायन, जल क्रीड़ा के साथ मछलियों का उत्पादन और नगर के लिए एक पेयजल योजना सुंदर सी बन सकती है। और आपसे ये बात करते करते, प्रकृति को निहारते निहारते हम ये पहुंच गए हैं लोहाघाट। लोहाघाट इसको पुराने समय में सुई नाम से जाना जाता था। वाराह पुराण में इस स्थान को लोहार गल कहा गया है। इसी पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा जाता है कि मनुष्य अगर 3 रात्रि यहाँ पर निवास करता है तो वह कई हजार वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए जो ऐसे लोग जो सिद्धि चाहते हैं या पूजा पाठ में मोक्ष की चाह रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को लोहारगल क्षेत्र में अवश्य आगमन करना चाहिए और यहाँ साधनारत रहना चाहिए। वाराह पुराण में भगवान वाराह ने कहा है कि हिमालय में लोहारगल नाम का एक गुप्त क्षेत्र है जो 5 योजन तक फैला हुआ है। एक समय में इस पवित्र स्थल पर दावनों ने आक्रमण कर दिया था। तब वाराह भगवान ने ब्रह्मा, रुद्र स्कंद, मारुदगण, आदित्य, चंद्रमा, बृहस्पति और अन्य देवताओं को इसी स्थान पर सुरक्षित करके सुदर्शन चक्र से सभी निशाचरों का संहार किया था। भगवान वाराह इस क्षेत्र की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इस स्थान पर प्रतिष्ठित उनकी मूर्ति का जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है वह उनका भक्त बन जाता है। 3 रात्रि अगर इस स्थान पर निवास करता है तो वह मनुष्य हजारों वर्षों का स्वर्ग का सुख भोगता है। इस स्थान को ब्रिटिश काल में इसी लोहाघाट को लोहू घाट कहा जाता था। लोहाघाट में उत्तराखंड परिवहन निगम का एक डिपो है जिसमें 42 बसें हैं। इस डिपो की स्थापना 1983 में हुई है। डिपो से प्रतिदिन 10 रूटों के लिए 17 बसों का संचालन होता है। इस नगर की जो पहचान है वो फुटबॉल मैच है। फुटबॉल मैच इस नगर की पहचान है। जहाँ ये नगर काफ़ी पौराणिक है, पुराणों से अपनी पहचान बनाए हुए है, वहीं पर आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफ़ी अग्रणी है। लोहाघाट नगर में 12 जूनियर बेसिक स्कूल हैं, 7 सीनियर बेसिक स्कूल हैं, 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और 1 महाविद्यालय है। वहीं पर व्यापारिक दृष्टि से भी यह नगर धीरे धीरे व्यापारी मंडी के रूप में विकसित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय उत्पाद जहां यहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, अगर कोई टूरिज्म पर्यटक के रूप में यहां आते हैं और यहां से कोई पुरानी चीज़ें जो हाथ से उत्पादित होती हैं यहां के स्थानीय हैं वो बड़ी आसानी से यहां जहां एक और उपलब्ध होते हैं, वहीं पर दूसरी ओर आधुनिकतम से आधुनिकतम उत्पाद भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन जो यहाँ के कुमाऊँ के बड़े नगर माने जाते हैं उनसे ज़्यादा आसानी से यहाँ आधुनिक उत्पाद मिल जाते हैं। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे या तो जो कुमाऊँ की मंडी है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, या जो यहाँ के महानगरों की ओर हमें जाना पड़ता है कभी सामानों के लिए उसके भी आप आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि बरेली या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे उत्पाद यहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। खैर, देवीधुरा लोहाघाट सफ़र को कैमरे में कैद करना एक अजब अनूठा अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देवीधुरा, बाणासुर का किला, कढ़ाई देवी, लोहाघाट पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट्स करके अवश्य लिखिएगा। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, लोहाघाट से चंपावत के सफ़र में। तब तक मैं गजेंद्र सिंह डसीला आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत